All right. So you can see, बालों के लिए कोम्बिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. हम लंबे बाल वाले जो लोग होते हैं, हम बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपने बालों को और स्पेशली कोम्बिंग को. वी डोंट कोम्ब आर हेयर एट ऑल एट टाइम्स, सो वी शुड नॉट डू दैट. और हमको अपने बाल डेफिनेटली कोम्ब करने चाहिए ऑलवेज. एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि बालों में फ्रिज आ जाता है, बिकॉज दे आर नॉट टेम्ड. उनको आदत ही नहीं कोम्ब होने की. तो अगर वो कोम्ब हो जाएंगे प्रॉपरली, सो सी, जैसे ही मैंने इनको ब्रश किया, दे आर बैक टू देयर नॉर्मल पोजिशन. राइट, ऑब्वियसली थोड़ा फ्रिज है बिकॉज कंडीशनर नहीं यूज़ किया है, तो वो होगा, बट अदरवाइज इट विल बी बैक टू नॉर्मल. So the hair, they are back in position. Obviously they are not conditioned, so थोड़ा frizz दिख रहा है, but that will be gone once I condition them. So this was a reminder कि बहुत अच्छे बाल बहुत बुरे दिख सकते हैं, but we really have to constantly work on them to make them look really good. So I hope you find this video really helpful for yourself. अगर आपको अभी भी कोई भी doubt है तो आप comment section में लिख सकते हैं. I'll surely try to help you out. I'll see you all in the next video. Till then, take really good care of yourself. The ones who are new to my channel, please like the video, share it with your friends, and do subscribe to the channel. I'll see you all in the next video with something new about the hair. Bye.